हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन तथा अगस्त्या फाउंडेशन के द्वारा विद्या वाहिनी अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान उन बच्चों तक पहुंचने का है, उन बच्चों तक साइंस पहुंचाने का है जो बच्चे गाँव के दूर दराज इलाकों में अपनी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये विद्या वाहिनी अभियान के तहत ये एक मोबाइल साइंस लाइब्रेरी बनाई गई है। इसमें प्रैक्टिकल तथा किताबों दोनों की सुविधा दी गई है। इसके अलावा एक और लैब ऑन व्हील्स की भी सुविधा इस अभियान के तहत गाँव के बच्चों तक पहुंचाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि टू व्हीलर हैं, इन पर साइंस किट इंस्टॉल की गई है और ये सभी टीचर्स हैं जो गाँवों में पहुंचेंगे, दूर दराज के बच्चों तक पहुंचेंगे और उनको साइंस किट के माध्यम से नए नए प्रैक्टिकल सिखाएंगे। अलग अलग स्कूलों तक जाने का ये अभियान है। विद्यावाहिनी इस अभियान के तहत लगभग 30,000 गांवों के बच्चों तक पहुंचने का प्रोग्राम बनाया गया है। हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन लगातार अपने इस विद्यावाहिनी अभियान को लेकर के आगे बढ़ रही है। दो फेज लगभग इसके पूरे हो चुके हैं जिनमें हज़ारों बच्चों को साइंस से संबंधित शिक्षा प्रदान की गई। आज एक विशेष कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी ने इन बच्चों से बात करी, उनके मॉडल्स को देखा, उनकी साइंस की समझ को देखा और उन बच्चों की काफ़ी तारीफ करी और इसके साथ साथ उन्होंने विद्या वाहिनी अभियान की भी काफ़ी तारीफ की कि बेसिक शिक्षा से संबंधित स्कूलों के जो बच्चे साइंस से थोड़ा बहुत अलग रहते थे अब उनको इस विद्या वाहिनी अभियान के तहत साइंस की अच्छी शिक्षा मिल रही, जिससे वो अपने साइंस के ज्ञान को काफ़ी बढ़ा रहे हैं, नए नए मॉडल्स बना रहे हैं और अपनी पहचान अलग कर पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह द्वारा आज 5 मोबाइल साइंस लाइब्रेरी तथा लैब ऑन बाइक की शुरुआत की जा रही है। फ्लैग ऑफ करने के लिए बेसिक शिक्षा मंत्री पूरी तरह तैयार हैं। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बेसिक शिक्षा मंत्री ने फ्लैग ऑफ कर दिया है और ये जो आप अपने सामने देख रहे हैं ये लैब ऑन बाइक है, बाइक पर ही लैब्स को बनाया गया है। इनको एक साइंस किट प्रदान की गई है जो स्कूलों तक जाएंगे और बच्चों को तरह तरह के साइंस एक्सपेरिमेंट सिखाएंगे और उनके बारे में जानकारी देंगे। ये सभी जो इन वाहनों को चला रहे हैं सभी टीचर्स हैं, विशेष रूप से साइंस के टीचर्स हैं जो स्कूलों तक पहुँचेंगे और बच्चों को साइंस के विषय में और अधिक जानकारी देंगे। अब आप देख सकते हैं कि बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के द्वारा लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी को फ्लैग ऑफ किया जा रहा है। ये एक मोबाइल वैन है जिनके अंदर लाइब्रेरी के साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स की भी सुविधा छात्राओं को मिलेगी। इस पूरे अभियान का उद्देश्य विशेष रूप से ये है कि जो दूर दराज के गांवों के बच्चे जो साइंस से कहीं अछूते रह जाते थे उनको पूरी तरह से साइंस के विषय में जानकारी दी जा सके, उनको सारे एक्सपेरिमेंट समझाए जा सकें जिससे वो साइंस के प्रति जागरूक हों। बच्चों में साइंस के प्रति आजकल काफ़ी जागरूकता है और जब उनको इस तरह की सुविधाएं मिलेंगी तो जाहिर सी बात है कि उनका विज्ञान के प्रति लगाव बढ़ेगा और भारत के भविष्य के लिए ये काफ़ी एक अच्छी पहल है हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन द्वारा। आइए बात करते हैं बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह जी से। आज यहाँ हुंडई फाउंडेशन और अगस्त्या फाउंडेशन के माध्यम से उनके सहयोग से विद्या वाहिनी और लैब ऑन बाइक का कार्यक्रम यहाँ से चालू किया गया है। इसके माध्यम से गांव-गांव तक दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे साइंस के उपकरण लैब उपलब्ध नहीं है उन बच्चों को साइंस के उपकरण लैब और पुस्तकें, साइंस से जुड़ी हुई प्रयोगों से जुड़ी हुई पुस्तकों को
पहुंचाने का जो एक अभिनव प्रयास हिंडई फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है, ये लगभग अभी 8 से 10 जिलों में अभी उत्तर प्रदेश में इसको चलाया जा रहा है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि हम फाउंडेशन के माध्यम से हर एक जिले तक इस प्रयास को लेकर के जाएंगे। बच्चे इन कार्यक्रमों में बहुत रुचि के साथ जुड़ते हैं और जो भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रयास होते हैं, साइंस के जो भी आविष्कार होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी मिलती है। हमारे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हम हर वो उचित प्रयास कर रहे हैं जो हमारे बच्चों को और हमारे प्रदेश को नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएगा। बहुत खुशी हुई, मैंने बच्चों ने जो अपने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, जो प्रैक्टिकल्स बनाए थे, हर एक बच्चे के मैंने प्रैक्टिकल के बारे में सुना, समझा और जिस तरह से जिस आत्मविश्वास के साथ बच्चे जो जानकारी अपनी साझा कर रहे थे वो वाकई में तारीफ़ काबिल था। हिंडई फाउंडेशन के सभी ट्रेनर्स के माध्यम से, हमारे पार्षदी विद्यालयों के शिक्षकों के माध्यम से, जो बच्चों को आज उत्साह उनका ज्ञान के प्रति बढ़ा है, शिक्षा के प्रति बढ़ा है, मैं उसके लिए सभी को अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। विद्या का मतलब एजुकेशन और वाहिनी का मतलब वाहन, तो एक ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हम वाहन की मदद से विद्या को हम छात्रों तक लेके जा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट हमने 2022 में शुरू किया था। हमने शुरुआत में 5 डिस्ट्रिक्ट्स यूपी स्टेट की 5 डिस्ट्रिक्ट को टारगेट किया और हमने 2 सालों में देखा कि 10,000 से ज़्यादा बच्चे जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं, साइंस को बड़ी अच्छी तरह से समझा है और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर, प्रिंसिपल्स, उन्होंने इस चीज़ को बड़ा सराहा। तो हमने 2 सालों बाद सोचा कि क्या हम इस प्रोग्राम को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आज हमने उन 5 डिस्ट्रिक्ट्स के अलावा 5 और डिस्ट्रिक्ट्स यूपी में अडॉप्ट की हैं। उस डिस्ट्रिक्ट्स में हमने 5 और मोबाइल साइंस लाइब्रेरी, जो कि आज माननीय मंत्री जी ने फ्लैग ऑफ की हैं, आपने देखा। पर एक सबसे बड़ी हमको सीख जो मिली कि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये 4 पहिया वाहन नहीं जा सकते। तो हमने कहा कि इसका दूसरा क्या सोल्यूशन है, तो आज हमने 15 लैब ऑन बाइक, 2 2-व्हीलर के ऊपर मोबाइल साइंस को भी हमने आज शुरुआत किया और 15 बाइक्स आपके सामने मंत्री जी ने आज फ्लैग ऑफ की हैं। ये भी अब यूपी के दूर दराज के इलाकों में जाएंगी, बच्चों को वहाँ पर साइंस के विज्ञापन और उसके बाद साइंस के जो उपकरण हैं उनके बारे में समझाएंगी, ताकि बच्चे 6ठी से लेकर 9वीं के बच्चे साइंस को एक सीरियस प्रोफेशन ले सकें, साइंस को एक अच्छा एजुकेशन का माध्यम ले सकें और एक अच्छे वैज्ञानिक के रूप में हमारे देश की गौरव को और बढ़ाएँ। तो ये आज हमने 5 डिस्ट्रिक्ट्स प्लस 5 10 डिस्ट्रिक्ट्स में 15 बाइक और 5 मोबाइल साइंस लैब का आज फर्दर उद्घाटन किया है। ऐसा है कि जिस एक्साइटमेंट के साथ बच्चे इस मॉडल को मंत्री जी को समझा रहे थे, तो ऐसा लगता था जैसे वो अपने दिल से बात कर रहे हैं और दिल से आदमी तभी बात करता है जब को उसको कॉन्फिडेंस होता है। और अगर हमारा जो प्रयास बच्चों में कॉन्फिडेंस लाएगा तो मुझे लगता है कि हमारा प्रयास जरूर सफल होगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी एक चीज़ है प्रगति की तरफ जाने के लिए। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कॉन्फिडेंस किया, आज तीसरी बारी वो हमारे देश को चला रहे हैं सुचारू रूप से। तो ये कॉन्फिडेंस है हमारे देश की सरकार के ऊपर, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर, जिससे हम चाहते हैं कि हिंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन अपना प्रोग्रेस फॉर ह्यूमैनिटी का जो हमारा नारा है उसको हम पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में फैलाएँ। यही हमारा एक दायित्व भी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि फाउंडेशन के थ्रू हम अपने सोशल वर्क को पूरे देश में फैला दें। हाँ, ये बहुत ही अच्छा लगा और मेरे स्कूल के बच्चे जिन जो यहाँ पर आए हैं, और मुझे बहुत गर्व है कि बच्चों को भी अच्छा है मालूम है और इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है हमारे स्कूल में, प्रोजेक्ट ले जा करके उनको दिखा कि मॉडल ले जा करके मॉडल के बारे में बताना और ये सब चीज़ें तो बच्चों ने प्रेजेंट किया और बच्चों को काफ़ी फ़ायदा मिला है उससे, काफ़ी सीखा है उन्होंने, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी आया है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही लाभदारी मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो बच्चों को एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल रहा है उससे कि हाँ बच्चे सीख रहे हैं इस तरह से मॉडल ले जा करके उन लोगों को बता रहे हैं, और जो कि मतलब उनके आगे फ्यूचर में काम आएगा, बच्चों के लिए आगे उनके करियर के लिए काम आएगा। बच्चे बहुत सारे अब साइंस में उनकी इतनी रुचि बढ़ गई है तो वो कुछ बच्चे बोल रहे हैं मैं डॉक्टर बनूंगा कभी कुछ, मतलब इस तरह से उनके अपने जो हैं उनके रुचि विज्ञान की तरफ बढ़ी है और कुछ करियर को लेकर के वो जागरूक हुए हैं कि मैं ये कर सकता हूँ। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। विद्यावाहिनी जो प्रोग्राम है अगस्त्य फाउंडेशन का, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है और वैसे तो हम टीचर्स बहुत डेडिकेशन से पढ़ाते हैं सर, लेकिन इसमें 4 चांद लगा दिया अगस्त्य फाउंडेशन ने और उसके पीछे से जो हुंडई का जो एनजीओ का हमारे साथ जो एक
कोलेबरेशन है, एक सहयोग है, वो तो कहने की बात नहीं है। अच्छे अच्छे मॉडल्स और कुछ बच्चे परिवर्तन चाहते हैं, तो अगस्त्य फाउंडेशन के लोग जब हमारे विद्यालय में आते हैं तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, यार सर आगे पढ़ाएंगे, तो उनको लगता है कि अब कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी और वो बहुत ध्यान से सुनते हैं, सीखते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा सर ये प्रोग्राम, और मुझे उम्मीद है कि इस तरह से हम लोगों को अवसर मिलेंगे और बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे। और एक चीज़ जो कही गई है APJ अब्दुल कलाम जी की, वो मुझे बहुत अपील की कि नॉलेज इज़ पावर। उन्होंने कहा है कि जो वेपन है, नॉलेज जो है वो सबसे बड़ा वेपन है। शिक्षा एक बहुत बड़ा हथियार है जिससे हम पूरे समाज को नहीं बल्कि विश्व को बदल सकते हैं सर, नो डाउट। सबसे बड़ा हथियार है एजुकेशन, और वो हमारे बच्चे इतने सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ उनको आने का सौभाग्य मिला, जहाँ कि शायद किसी प्राइवेट स्कूल का बच्चा भी नहीं आ सकता है, और हमारे बच्चे यहाँ आ गए। तो आई एम रियली ओवरहेल्म एंड वेरी थैंकफुल टू दिस प्रोग्राम। रियली हमारे शिक्षा मंत्री जी का यहाँ आगमन हुआ और हमारे बच्चों ने जाना कि शिक्षा मंत्री जी हमारे विद्यालय के प्रति इतना उनको लगन है, इतना उनका अमूल्य समय है, उसको देते हुए उन्होंने इतना अमूल्य समय हमें दिया, हमारे बच्चों को दिया, हमारे बच्चों का प्रोग्राम देखा, तो हम बहुत बहुत आभारी हैं सर के। थैंक यू। मेरा नाम आनंद पांडे है, मैं कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मेरे स्कूल का नाम पूर्व माध्यमिक विद्यालय चिन्हट लखनऊ है। सर मेरे मॉडल का नाम था इक्लिप्स। सर इक्लिप्स का मतलब है ग्रहण। सर जो हमारे आदित्य फाउंडेशन की तरफ से जो सर आते हैं उनको हम बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें इतना कुछ बताया और हमें बेसिक शिक्षा अधिकारी से मिलने की कृपा करिए। यस सर, बहुत जानकारी मिल रही इस विद्यावाहिनी प्रोग्राम के बारे में। मेरा नाम सोनम है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम है पूर्व माध्यमिक विद्यालय मल्होर चिन्हट लखनऊ। मैं मेरे मॉडल का नाम है चंद की कलाएं। इसमें क्या दिखाने की कोशिश की है आपने? पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में। अच्छा, ये जो विद्या भारती फाउंडेशन की तरफ से आप लोगों को ये ट्रेनिंग दी गई या साइंस के विषय में सिखाया गया, इससे कितना फ़ायदा मिला जो आप साइंस को अच्छे से समझते हैं? साइंस के पढ़ने में मुझे बहुत सहायता मिली। आगे क्या बनना चाहती हैं? पुलिस। माई नेम इज चंचपाल, आई स्टडी इन क्लास 8। माई स्कूल नेम इज अपर प्राइमरी स्कूल। मेरे मॉडल का नाम ह्यूमन टॉर्सो है और मैं इसके बारे में साइंस के बारे में बहुत अच्छे से सीखा हूँ और मुझे पता है कि कहाँ से क्या होता है सर। और हमारे पास हमारे शिक्षा मंत्री आए थे हमसे पूछने के लिए कि इसके बारे में कैसे क्या होता है, तो हमने सर बताया कि मस्तिष्क में तीन प्रकार के मतलब कि तीन भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। और सर भोजन का पाचन मुँह से स्टार्ट होता है, मुँह में चार प्रकार के दांत पाए जाते हैं, कृतनक, रन्नक, चवन्नक, अग्र चवन्नक। और हमारा जब भोजन लार ग्रंथि में पहुंचता है, लार ग्रंथि में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम टाइलिन है। टाइलिन एक प्रकार का जीवाणु को नष्ट करने का एंजाइम है और वह हमारा भोजन लार ग्रंथि से लिसलिसा या चिपचिपा बनकर हमारे फूड पाइप के द्वारा हमारे अमाशय में जाता है। अमाशय में हमारा भोजन 4 से 5 घंटे रहता है, फिर उसके बाद हमारा भोजन 4 से 5 घंटे रहता है, फिर अमाशय में एक प्रकार का एंजाइम पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम, और उसके बाद हमारा भोजन छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत की लंबाई 20 से 22 फुट होती है और वहाँ पर हमारे प्रोटीन वाले जो जितने भी पदार्थ हैं वो सब हमारे वहीं पर रहते हैं, और बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर है, और उसमें से जो हानिकारक पदार्थ होते हैं वो सब उसमें से निकल के मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। सर उससे बहुत लाभ मिला और आगे मैं आई बिकम अ डॉक्टर। माई नेम इज शगुन रावत, आई एम स्टडी इन क्लास 8। माई स्कूल नेम इज UPS मल्होर चिन्हट लखनऊ। मैम मेरे मॉडल का नाम है कपल पेंडुलम, तो हमने उसमें ऊर्जा संरक्षण के नियम भी देखे, ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। और आज मिनिस्टर आपके मॉडल को देखने आए, आज हमारे वो शिक्षा अधिकारी देखने आए तो हमें भी बहुत अच्छा लगा कि हम जो चाहते थे वो हमारे साथ, जो हमने सोचा भी नहीं था उससे बढ़ के हमारे साथ हो रहा है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है।
विद्या वाहिनी फाउंडेशन ने आप लोगों को साइंस के विषय में और जानकारी दी, क्या कहना चाहेंगे? सर, विद्या वाहिनी फाउंडेशन ने हमें बहुत सारी जानकारी दी सर, जैसे साइंस के बारे में सब बताए, यहाँ आने का हमें मौका मिला और अच्छी अच्छी नई नई बातें हमें बताई गई, सब बहुत अच्छा लगा सर हमें। थैंक यू सर। हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन तथा अगस्त्या फाउंडेशन के सहयोग से विद्या वाहिनी अभियान की शुरुआत की गई। आज बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने मोबाइल साइंस लाइब्रेरी तथा लैब ऑन बाइक का शुभारंभ किया। उन्होंने हरी झंडी देकर इन मोबाइल साइंस लाइब्रेरी तथा लैब ऑन बाइक को रवाना किया। आपको बता दें कि हुंडई मोटर इंडिया फाउंडेशन के द्वारा लगभग 2.5 से 3 करोड़ रुपये इसमें इन्वेस्ट किए गए हैं ताकि परिषदीय स्कूलों बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में बच्चों के साइंस के प्रति रुचि और जागृत हो। मोबाइल साइंस लाइब्रेरी एक अनोखा प्रोजेक्ट है जिसके तहत एक मोबाइल वैन में ही बच्चों के लिए अलग अलग तरह के साइंस प्रोजेक्ट स्थापित किए गए हैं ताकि वो उन प्रोजेक्ट्स को और उन एक्सपेरिमेंट को कर सकें। इसके अलावा लैब ऑन बाइक की भी व्यवस्था की गई है। 2-व्हीलर पर एक साइंस किट के साथ ही एक टीचर को अपॉइंट किया गया है जो उन स्कूलों तक, दूर दराज के स्कूलों तक पहुंचेंगे और बच्चों को साइंस से संबंधित जानकारी देंगे, उनको नए नए एक्सपेरिमेंट के माध्यम से साइंस के प्रति उनकी जागरूकता को बढ़ाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।